Hello friends, and welcome to Adda 247. My name is Saurabh Day, and you are watching English classes for SBI PO and Clerk 2019. So guys, हमारे इस session में, हमारे इस लगातार चलती series में, हम बहुत सारे chapters सीख चुके हैं, part of speech के भी, और हमने बहुत सारी practice भी करी हुई है, exercises की भी, अलग-अलग patterns की. तो आज एक बार फिर से बारी है एक बहुत ही शानदार से पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस को देखने की, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको पसंद आएंगे और बहुत सारे रूल्स भी हम लोग यहां सीखेंगे. सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वन हैक ऑफ अ सेशन. तो चलिए इससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें, मैं चाहता हूं सभी लोग बच्चों एक बार लिख लो कॉमेंट सेक्शन में एसबीआई इंग्लिश क्लास फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क इक्वल्स टू 1 PM एंड 1 PM इक्वल्स टू एसबीआई पीओ एंड क्लर्क इंग्लिश क्लास. कम ऑन गाइस, जितने भी लोग हैं, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, कम ऑन गाइस, हरी अप, राइट ऑन द कॉमेंट सेक्शन इंग्लिश क्लास फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क इक्वल्स टू 1 PM एंड 1 PM इक्वल्स टू इंग्लिश क्लास फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क. तो चलिए अब लोग शुरू करते हैं. लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन राइट ओवर हियर. ओके, सो इफ वी हैड राहुल इन आर टीम वी वुड वन द मैच. तो बताइए बच्चों, यहां पर आपके हिसाब से जो एरर है वो कहां है और क्या है. टाइम स्टार्ट्स नाउ, कैन वी हैव द टाइम प्लीज. Hurry up guys, 20 seconds left. Last 10 seconds, come on. Okay, the time is up. All right. सो गाइज, अब देखो यहाँ पर जो सही जवाब है वो आई एम श्योर आपने लगा दिया होगा. बहुत सारे लोग लगा चुके होंगे सही जवाब. सी, जाहिर सी बात है कंडीशनल स्टेटमेंट है. इफ वी हैड राहुल इन आर टीम वी वुड हैव वन द मैच, राइट राइट अवे. तो यहाँ हम वही लगाएंगे. तो अब वैसे देखो बच्चों, जो एरर है ना वो पार्ट सी में नहीं आएगी. क्यों? बिकॉज पार्ट सी तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो एरर है वो पार्ट डी में आएगी, राइट गाइज. अच्छा, अब देखो यहां पर एक और चीज होती है. अगर फ्रेज की हम बात करते हैं तब जो पार्ट में एरर है वो नेक्स्ट में नहीं होती है, तब फिर वो नेक्स्ट में आता है, राइट. तो इसलिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी इन पार्ट सी. तो वन का सी बच्चों यहां पर एरर होने वाली है. ओके, सो नाउ लेट्स कम डाउन. नंबर टू देखो दिया हुआ आपके सामने. अ ड्रॉप इन द मर्करी कॉलम ऑफ अ बैरोमीटर इंडिकेट्स द चेंज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर. ओके गाइस, तो बताइए, टाइम स्टार्ट्स नाउ, व्हाट्स द आंसर. हरी अप आंसर गाइस, कम ऑन. Fifteen seconds, guys. Come on. Okay, so guys, अभी देखा जाए तो आपका जो समय है वो आ चुका है. All right, so a drop in the mercury column of a barometer indicates the change in atmospheric pressure. So guys, यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर सही जवाब क्या हो जाएगा. आप देखो बच्चों, यहाँ पर कोई गलती होगी तब तो आप कोई और सही जवाब लगाओगे, है कि नहीं. वेल एनी वे, अ ड्रॉप इन द मर्करी कॉलम ऑफ अ बैरोमीटर इंडिकेट्स. देखो ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है. जब हम फैक्चुअल ट्रुथ की बात करते हैं तो हम लगाते हैं यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनेट. ओके, तो मतलब जो एरर है वो है ही नहीं. टू का ऑप्शन ई, दैट इज नो एरर, इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट वन गाइस, नंबर थ्री. सो न्यू किंग पोरस लीड्स His army and attacked the enemy. तो बताइए बच्चों, नंबर थ्री में आपके हिसाब से जो गलती है वो कहां हो जाएगा. कैन वी हैव द टाइमर प्लीज. बिल्कुल, थोड़ा सा आप टाइमर को अगर ऊपर शिफ्ट करते हो सही रहेगा. ट्वेंटी सेकेंड लेफ्ट गाइस, हरी अप. ओके, द टाइम इज अप. ऑलराइट, सो अब देखा जाए बच्चों, तो न्यू किंग पोरस लीड्स हिज आर्मी एंड अटैक्ड द एनिमी. अब देखो बच्चों क्या है,
जब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, राइट, तो उसमें देखो एक रूल होता है पास्ट और पास्ट वाला, यानी जो एक्शन पहले हुआ उसके लिए हम लगाते हैं पास्ट टेंस डेफिनेट, और जो उसके बाद होता है उसके लिए हम लगाते हैं क्या, जो पहले हुआ उसके लिए लगाते हैं पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होता है उसके लिए हम लगाते हैं पास्ट इनडेफिनिट, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यू किंग पोरस हैड लेड हिज आर्मी एंड अटैक्ड द एनमी। तो मतलब जो एरर है बच्चों वो थर्ड के पार्ट बी में है, द एरर इज इन पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री। ओके, देखो नंबर फोर में क्या है, जूही हैज सेव्ड एनफ मनी शी विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। सो टेल मी गाइज, यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, टाइम स्टार्ट्स नाउ, हरी अप एंड आंसर। Come on, people, what's the answer here? Okay. So, Juhi has saved enough money, she will buy a new car next week. Well, अब देखिए यहां पर एक कनेक्टिविटी जो है ना वो प्रॉपरली बनाने की जरूरत है. So, Juhi has saved enough money, she will buy a new car next week. Well, अब देखो तो जाहिर सी बात है कि देखो शी विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, तो ये एक फ्यूचर वाली बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, सी द पॉइंट इज व्हेन जब आपको प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में एक बढ़िया सा इंसिडेंट दिखाना होता है, तो वहां पर देखा जाए बच्चों या तो आप प्रेजेंट, यूजुअली क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हो या फिर आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज करते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम एक चीज जो है वो कह सकते हैं फिलहाल तो यहां पर गाइस, लेकिन वो अप्लाई नहीं करेगा बिकॉज आप देख सकते हो विल बाय भी लगा होता है, व्हेन इंस्टेंसेस जहां पर फ्यूचर आपको पक्का होता है और आपको प्रेजेंट टेंस ही यूज करना होता है वहां पर आप सिर्फ प्रेजेंट टेंस यूज करते हो, विल नहीं लगाते। तो यहां पर हम एक बात जो कह सकते हैं वो ये है ना, यू नो जूही सेव्ड इनफ मनी शी विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। यहां पर देयर इज नो नीड टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम कह सकते हैं दैट पार्ट ए में, लेट्स रिमूव हैज फ्रॉम हियर। Okay, so Juhi saved enough money, she will buy a new car next week. Okay, so number 5 देखते हैं, देखो number 5 में दिया हुआ है, Rama hopes to become an IAS officer after she completes her graduation. So tell me guys, what's the answer here? Time starts now. Hurry up and answer. Come on. Okay guys, are you 5 seconds left now? Come on. Okay, the time is up. All right, so now Rama hopes to become an IAS officer after she completes her graduation. Well, after she completed her graduation, जाहिर सी बात है कि जब वो graduation कर लेगी तभी तो बनेगी ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम कह सकते हैं रामा होप्स टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर आफ्टर शी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, ओके, या फिर हम ये भी कह सकते हैं आफ्टर शी विल कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, बट शी कंप्लीट्स तो यहाँ पर हरगिज नहीं आएगा, ये हम कह सकते हैं फॉर श्योर। सो फिफ्थ के सी में एरर है, ओके चलिए। तो बच्चों देखो 5 सवाल हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने फटाफट मैंने बिना कहे ही शो को लाइक कर दिया होगा, और अगर ऐसा नहीं किया है तो अब आपको मौका दे रहा हूँ, सभी लोग गाइज, ऑल द लेडीज ऑल द जेंटलमैन, कम ऑन गाइज, लाइक द सेशन एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन लाइक सर, कम ऑन बच्चों, सभी लोग लाइक कर दो, लिख भी दो लाइक सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6 क्या है, राहुल अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू हैव अ पार्टी इन हिज अपार्टमेंट आफ्टर द मैच। सो टेल मी गाइज, व्हाट्स द एरर, वेयर इज द एरर इन नंबर 6, टाइम स्टार्ट्स नाउ, सो हरी अप एंड आंसर गाइज, कम ऑन बताइए। ट्वेंटी सेकेंड लेफ्ट गाइज, हरी अप। Well, the time is up. All right. So, Rahul, along with his friends, is going to have a party in his apartment after the
मैच। तो भाई देखा जाए तो यहाँ पर सच जो अगर हम गलती की बात करें, राहुल अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू हैव अ पार्टी इन हिज अपार्टमेंट आफ्टर द मैच, ऐसी कोई गलती यहाँ नजर नहीं आ रही है। तो इट इज सेफ टू से दैट सिक्स का ई नो एरर इज द आंसर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो भी है आप यहाँ पर देखा जाए तो सिक्स का ई आंसर के तौर पर लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन नंबर सेवन गाइज, अब देखिए नंबर सेवन में क्या हो जाएगा। सो श्रेया यूज टू वॉच टीवी till 11 o'clock at night and then goes to bed. So tell me guys, yahan par sahi jawab kya laga denge aap? Time starts now. So hurry up and answer people. Are you people 5 seconds left to answer? Come on. Okay, so well the point is Shreya uses to watch TV. Ab dekho zahir si baat hai uses to kuch nahi hota hai. See the point is jab koi past tense ki hum baat karte hain to usme hum aise bol sakte hain, you know, used to watch, lekin dekho yahan par baat kya hai, fir bol rahe hain and then goes to bed, to yani ki ek regularity wali baat hai, theek hai, ek regular truth wali baat hai, ek fact wali baat hai, to yahan par aise ho jayega Shreya watches TV till 11 o'clock at night and then goes to bed. ठीक है, तो मतलब जो एरर है बच्चों वो सेवंथ के पार्ट ए में है, watches TV. ठीक है, ये हो जाएगा. Now number 8 में देखो क्या दिया हुआ है. I wish I met you when you were living in India. तो बताइए बच्चों यहां पर आपके सबसे जवाब क्या हो जाएगा. Time starts now. So hurry up and answer. Fifteen seconds, people. Hurry up and answer. Come on. Five seconds, people. Come on. Bataiye. Okay. So I wish I met you when you were living in India. Well, बच्चों देखो जब हम wish की बात करते हैं तो once again it's another kind of conditional over here. So I wish I had met you when you were living in India. ये सही रहेगा. That's the right way of putting it over here. Past perfect का requirement है. तो मतलब eighth के बच्चों जो part B है इसमें एरर आप कह सकते हो. सो आई विच आई हैड मेट यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंडिया, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ इन नंबर 9 ओवर हियर, हियर केम माय फ्रेंड सेड आशीष व्हेन ही सॉ उदित. तो बताइए बच्चों इसमें आपकी तरफ से जो गलती है वो कहां है और क्या है. टाइम स्टार्ट्स नाउ, सो हरी अप एंड आंसर दैट डे. कम ऑन. Hurry up people, 5 seconds left. Okay, so here came my friend. देखो जाहिर सी बात है जब हम ऐसे लगा रहे हैं आगे हेयर तो उसके बाद came नहीं आएगा बल्कि here comes my friend will be the correct way, right guys? So ये हो जाएगा here comes my friend. So Rashish when he saw Udit. Okay, so मतलब हम कह सकते हैं ninth में बच्चों जो error है वो part A में है. Here comes my friend, said Ashish. Okay. बच्चों देखो 9 सवाल हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा इस चैनल को सवालों को देखते हुए. सो गाइस राइट अवे सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए 247 बिकॉज दैट गोइंग टू हेल्प यू अलॉट व्हेन इट कम्स टू स्टडीज, व्हेन इट कम्स टू गेटिंग मार्क्स एंड क्लियरिंग कंसेप्ट्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो लर्निंग लॉट ऑफ रूल्स इन इंग्लिश. ओके बच्चों, तो सब लोग सब्सक्राइब कर लो और लिख भी लो सेशन में सब्सक्राइब सर. एवरीबॉडी गाइज सब्सक्राइब टू 247 एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन सब्सक्राइब सर. चलिए नाउ नेक्स्ट वन गाइस नंबर 10 क्या इसको देखते हैं. सो एन अनार्किस्ट इज अ पर्सन हु इज बिलीविंग इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट एनार्की. सो गाइस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, हरी अप एन आंसर. कम ऑन पीपल.
Hurry up, people. Come on, guys. What's the answer here? Okay, the time is up over here. So, an anarchist is a person who is believing in, well, or tries to bring about anarchy. Well, zahir se baat hai, dekho, yahan par hum kisi ke belief ki baat kar rahe hain, to factual truth ki baat kar rahe hain, na? To yahan kya ho jayega? It should rather be who believes in or tries to bring. Who believes in, because ye uska habit hai, na? To yeh jayega believes in. Matlab, bachcho, jo error hai, wo path C mein hai, question number 10 ke, believes in is the answer. So when she comes, we discuss this issue. Bataiye bachcho, yahan par sahi jawab kya ho jayega number 10 mein? Time starts now. So hurry up and answer. Come on, people. Okay, the time is up. All right, now. So, over here, guys, yahan par dekha jaye, to when she comes, we discuss this issue. Well, it's more like this, when she came, or rather, in fact, agar hum aisa bolte hain ki when she comes, we, see, the point is, either you'll say, when she comes, we shall discuss this issue, right? Because that'll be the right way. That will be the only way, in fact, which this one can go. So, when she comes, we will discuss this issue, okay? तो यानी कि बच्चों जो एरर है वो 11th के पार्ट सी में है दैट वी कैन से वी विल डिस्कस दिस इशू. ओके, सो नेक्स्ट वन इज नंबर 12. इट इज हाई टाइम यू बॉट दिस बुक. इट इज हाई टाइम यू बॉट दिस बुक फ्रॉम द मार्केट. तो बताइए बच्चों यहां पर से जब आप क्या लगा देंगे आप. टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो हरी अप आंसर पीपल. कम ऑन. Five seconds, people. Hurry up and answer. Come on. Okay. So, it is high time you bought this book from the market. Dekho, dekho, jab baat karte hain, it is high time ki. To uske baad, it's quite important to use past indefinite, right? That's the only way things are done. Okay. To yahan par aise ho jayega. It is high time you bought this book. Ye already likha hua hai past indefinite. To hum keh sakte hain that no error is the answer over here. Okay, guys, so matlab 12th ka E is the answer, no error is the answer over here. Now, next one, guys, number 13 kya hai? So whenever he is coming here, he brings a lot of gifts for us. So tell me, guys, yahan par aapke hisab se jo galti hai wo kahan hai aur kya hai? Time starts now. Hurry up and answer. Five seconds left, people. Hurry up and answer. Come on. Okay, so whenever he is coming here, he brings a lot of gifts for us. Bhai, zahir se baat hai, bachcho, whenever he comes here, to yahan ek factual truth ki baat hai, habitual truth ki baat hai, to yahan par kya ho jayega? Whenever he comes here, he brings a lot of gifts for us. So, bachcho, jinko bhi PDF chahiye, waise, is questions ka, all those of you who want to practice on your own, who want the PDF, it's quite important ki aap sabhi log is video ko share karein. So, if you want to be eligible to get the PDF of the session, please share the video on your Facebook, Telegram, WhatsApp, or fir link bhi dena comment section mein, shared sir. Okay, guys, so please share the video and write down shared sir in the comment section. Okay, fifth number 14 mein diya hua hai, Shweta is behaving as if she never tells a lie in her life. So, bataiye bachcho, yahan par aapke sahi jawab kya ho jayega? Time starts now. So, hurry up and answer, people. Come on. Hurry up, people, come on. What's the answer here?
Okay. So Shweta is behaving as if she never tells a lie in her life. तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, it's more like a condition as all of you know. तो यहाँ पर हम ऐसे क्या लगा सकते हैं, Shweta behaves as if she never tells a lie in her life. तो एक factual truth की बात भी यहाँ पर नजर आ रही है साफ साफ, तो ऐसे बोल सकते हैं हम, Shweta behaves as if she never tells a lie in her life. Okay, मतलब 14 का जो देखो part A है उसमें error हम लगा सकते हैं, Shweta behaves as if she never tells a lie in her life. Okay, तो देखो number 15 के सामने आ चुका है, I wish I was there. I was the first prime minister of the country after independence. Well, trust me guys, a lot of people wish that. So anyway, सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, time starts now. Hurry up and answer guys, come on. Fifteen seconds, people, come on. Five seconds, guys, hurry up. Okay, the time is up. So, I wish I was the first prime minister of the country. Well, guys, देखो जब भी आप wish की बात करते हो तो उसके बाद ना हम वर लगाते हैं, ठीक है? With wish, the right helping verb to use is were over here. तो ऐसे हो जाएगा, I wish I were the first prime minister of the country after independence. चलिए इधर हमको दिखा दीजिए अब. So guys, I hope आप सभी लोगों ने 15 के 15 सवाल बहुत ही बढ़िया से लगाए होंगे, अच्छे से लगाए होंगे, है ना बच्चों? तो इसीलिए अब यहाँ पर देखा जाए तो सेशन को हम एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को सेशन बहुत पसंद आया होगा, सब लोगों ने बढ़िया से शो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा, और साथ ही में माय डियर फ्रेंड्स, इनको पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो सभी लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश बाय सौरभ सर वाला, और उसमें देखा जाए जो पिंड कॉमेंट है उसको आप क्लिक करिएगा, सो यू विल गेट द पीडीएफ एज वेल. ओके, सो दैट वॉज ऑल इन दिस सेशन एंड नाउ पीस आउट.